हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स इन दिस सेशन फॉर आई जैम वो सारे बच्चे जो आई जैम 2023 की तैयारी करने जा रहे हैं इन बातों का खास ध्यान रखें आज के सेशन का एजेंडा है स्टूडेंट्स अबाउट आई जैम एलिजिबिलिटी एग्जाम फीस एग्जाम पैटर्न एंड द मार्किंग स्कीम तो ध्यान दें इस पे अबाउट आई टी जैम स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आई टी जैम एक ज्वाइंट एडमिशन टेस्ट है मास्टर्स के लिए मास्टर्स में जिनको एडमिशन चाहिए ये आर्ट सब्जेक्ट में होता है बेटा एट सब्जेक्ट्स के अंदर होता है और इसमें एडमिशन मिलता है आई में एन में सी एफ में और बेंगलोर आई आई एस सी बैंगलोर में इन सब में एडमिशन लेने के लिए आपको आई आई जैम का एग्जाम क्रैक करना होता है इज़ वन ऑफ द मोस्ट एंड द डिफिकल्ट एग्जाम्स और स्टूडेंट्स नाउ चेक कि कौन कौन स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं स्टूडेंट्स अगर हम 2022 की बात करें तो 2022 में एवरी स्टूडेंट इव द मार्क्स एलिजिबल था सिर्फ पास होना चाहिए ग्रेजुएट होना चाहिए या थर्ड ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में होना चाहिए वो सब एलिजिबल हैं और कोई एज लिमिट नहीं है और 2022 से पहले की बात करें तो 50 परसेंट मार्क्स इन ग्रेजुएशन फॉर एस सी एस टी पी डब्ल्यू डी ई डब्ल्यू स्टूडेंट्स एंड ओ बी सी स्टूडेंट्स और 55 परसेंट मार्क्स फॉर जनरल स्टूडेंट्स थे स्टूडेंट्स तो अब 2023 के लिए क्या आएगा हमें उसको फॉलो करना होगा अबाउट एग्जाम फीस स्टूडेंट्स आप ये एग्जाम फीस किसी भी बोर्ड से कर सकते हैं स्टूडेंट्स चाहे नेट बैंकिंग से डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड कभी भी कर सकते हैं और ध्यान रखें इस बात का खास तौर से फी वंस रखेंडेबल स्टूडेंट जो स्टूडेंट एस सी एस टी पीडब्ल्यू डी फीमेल स्टूडेंट्स हैं अगर वो एक एग्जाम देना चाहते हैं तो उनको फीस फिल करनी है सेवन फिफ्टी रुपीज और दो एग्जाम्स तो वन जीरो फाइव जीरो और जनरल स्टूडेंट्स के लिए या फी मेल स्टूडेंट्स के लिए एक एग्जाम की फीस है पंद्रह सौ रुपए और दो एग्जाम्स की फीस है दो हजार टू थाउजेंड वन हंड्रेड रुपीज अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न विच इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स ये कंप्यूटर ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है सीबीटी टेस्ट थ्री आवर्स का टेस्ट है मिनट्स का स्टूडेंट्स ओनली इन इंग्लिश मीडियम आएगा आपको ये आर आर टोटल देव थ्री सेक्शन एंड टोटल हंड्रेड मार्क्स का पेपर है स्टूडेंट्स ये अब देखते हैं सेक्शंस वो तीन सेक्शन क्या हैं तो मार्किंग स्कीम क्या है उन सेक्शंस की सेक्शन ए स्टूडेंट्स सेक्शन ए फिफ्टी मार्क्स का है इसमें टोटल थर्टी क्वेश्चन हैं स्टूडेंट्स टेन क्वेश्चन है वन मार्क के ट्वेंटी क्वेश्चन हैं टू मार्क्स के जिसमें नेगेटिव मार्किंग है वन मार्क वाले में नेगेटिव मार्किंग है वन बाय थ्री मार्क्स वाले में टू बाय मतलब जितने मार्क्स का क्वेश्चन है उसका थर्टी नेगेटिव मार्किंग है थर्टी सेक्शन बी एम एस क्यू है मल्टीपल स्लेट क्वेश्चन है एक क्वेश्चन के एक से ज्यादा आंसर हो सकते हैं ये सिर्फ दस क्वेश्चन है स्टूडेंट आपके और हर क्वेश्चन दो मार्क्स का है तो ये बीस नंबर का सेक्शन हो गया आपका सी सेक्शन नेट न्यूमेरिकल आंसर टाइप है यहां पर भी बीस क्वेश्चन है स्टूडेंट दस क्वेश्चन एक मार्क के हैं और दस क्वेश्चन दो मार्क के तो इस तरह से आपका टोटल सिक्सटी क्वेश्चन और हंड्रेड मार्क्स का पेपर बन जाता है तो स्टूडेंट्स आपको सेक्शन बी सी में ही आप सबसे ज्यादा मार्क्स का स्कोर कर सकते हैं वहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है और सेक्शन ए में आपको बहुत ध्यान से करना है आप जब हंड्रेड परसेंट श्योर हैं कि यही आपका आंसर है तभी आपको उसका जवाब लिखना है नेक्स्ट स्टूडेंट्स प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल है अल्फा प्लस इंस्टीट्यूट उस पर रेगुलर आपको अपडेट्स और नए वीडियोज़ आते रहेंगे कॉन्टेंट वीडियोज भी आते रहेंगे जो भी स्टूडेंट्स आई आई टी जैम दो हज़ार तेईस मैथेमेटिक्स और मैथमेटिकल स्टेटस्टिक्स से देना चाहते हैं वो सारे बच्चे हमारे यहाँ एनरोल भी कर सकते हैं ऑफलाइन ऑनलाइन बैचेज भी हैं और हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं आई आई टी जैम टारगेट टू थाउजेंड ट्वेंटी टू जिस आपको सारी अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन मिलती रहती हैं थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स